एडवांस्ड फॉर्मूला एंड फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2010 चैप्टर 5। टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर: डिफाइन टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग, यूज फंक्शन, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग। टाइप्स ऑफ रेफरेंसिंग इन एमएस एक्सेल 2010 सेल रेफरेंसिंग इज आउट थ्री टाइप्स: रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। एवरी सेल इज मेड ऑफ ए कॉलम पार्ट एंड ए रो पार्ट। व्हिच इज द एड्रेस ऑफ द सेल इज कॉल्ड इज रिलेटिव व्हेन बोथ पार्ट्स आर नॉट फिक्स्ड। इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट व्हेन बोथ पार्ट्स आर फिक्स्ड। ए सेल इज कॉल्ड मिक्स्ड व्हेन ओनली वन आउट ऑफ देम इज फिक्स्ड। एमएस एक्सेल 2010 में सेल रेफरेंसिंग तीन प्रकार से बाहर होती है: रिलेटिव रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग और मिक्स्ड रेफरेंसिंग। प्रत्येक सेल एक स्तंभ भाग और एक पंक्ति भाग से बना होता है। जो सेल का पता होता है, जब दोनों भागों को ठीक नहीं किया जाता है तो कोशिका को सफिक्स कहा जाता है। दोनों भागों को तय करने पर इसे निफिक्स कहा जाता है। एक सेल को मिश्रित कहा जाता है जब उनमें से केवल एक ही तय होता है। रिलेटिव रेफरेंसिंग इन रिलेटिव रेफरेंसिंग द फॉर्मूला इन द कॉपीड सेल चेंजेस एज पर द चेंज इन द सेल पॉइंटर्स पोजीशन। द फॉर्मूला फॉर सेल रेफरेंस चेंजेस ऑटोमेटिकली इफ यू कॉपी द फॉर्मूला अक्रॉस रोस और डाउन कॉलम्स। फॉर एग्जांपल, इफ द फॉर्मूला इन D3 इज V3 इनटू C3, द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला चेंजेस ऑटोमेटिकली व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपीड वर्टिकली। सपेक्ष संदर्भ में कॉपी सेल में सूत्र सेल पॉइंटर की स्थिति में परिवर्तन के अनुसार बदलता है। यदि आप पंक्तियां या नीचे संदर्भों पर सूत्र की प्रतिलिपि बनाते हैं तो कक्षा संदर्भ का सूत्र स्वचालित रूप से बदल जाता है। उदाहरण के लिए, यदि D3 में सूत्र B3 इंटू C3 है तो सूत्र में कोशिका का पता तब स्वतः बदल जाता है जब सूत्र लंबावत कॉपी किया जाता है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग
A dollar sign used for identifying absolute referencing. It is used along with row and column number in the cell. For example, $V$3 is an absolute reference. When the formula is copied across rows or down columns, it remains unchanged. In the example, D3 has a formula $V$3×5, and as it is copied, it does not get changed in the cell address. निरपेक्ष संदर्भ को पहचानने के लिए एक डॉलर चिन्ह का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग सेल में पंक्ति और संदर्भ संख्या के साथ किया जाता है। उदाहरण के लिए $V$3 एक पूर्ण संदर्भ है। जब सूत्र को पंक्तियों या नीचे संदर्भों में कॉपी किया जाता है तो यह अपरिवर्तित रहता है। उदाहरण में D3 का एक फॉर्मूला $V$3×5 है और जैसे ही इसे कॉपी किया जाता है या सेल एड्रेस में परिवर्तित नहीं होता है। Mixed referencing. In this, dollar sign should appear either with the column number or the row number. For example, $V3 is a mixed cell reference containing an absolute column and a relative row, and C$3 has a relative column and an absolute row. इसमें डॉलर का चिन्ह या तो कॉलम संख्या या पंक्ति संख्या के साथ दिखाई देना चाहिए। उदाहरण $B3 एक मिश्रित सेल संदर्भ है जिसमें एक पूर्ण स्तंभ और एक संक्षेप पंक्ति है और C$3 में एक संक्षेप स्तंभ और एक पूर्ण पंक्ति है। Using functions, there are various functions available in MS Excel that can be applied to a cell or a range of cells to produce quick output.
These are predefined commands such as autosum, recently used, found, financial, logical, test, date and time, lookup and reference, math and trig, and many more. Function name and arguments are automatically two parts of all functions. Generally, all arguments are started within simple brackets. A function should always start with an equal sign. Functions and commonly used in MS Excel. Sum is used for adding up all the numbers in a range of cells. Syntax: equal to sum bracket open range or numbers bracket close. Example: equal to sum bracket open A1 is to A6 bracket close gives 94 as an output. Average is used for calculating the average of all numbers in a range of cells. Syntax: equal to average bracket open range or numbers bracket close. Example: equal to average bracket open A1 is to A6 bracket close gives 18 as an output. Count number is used for counting the number of cells in a range of the cells range containing only numerical values. Syntax: equal to count bracket open range or numbers bracket close. Example: equal to count bracket open A1 is to A6 bracket close gives as the output 5. Maximum is used for displaying the largest bracket open maximum bracket close value in a range of cells as an output. Syntax: equal to max bracket open range or numbers bracket close. Example: equal to max bracket open A1 is to A6 bracket close gives 92 as an output. Example: equal to if bracket open A3 equal to 60 comma A3 into 20 comma double quotation open sorry double quotation close bracket close. It means that if the content is true comma calculate A3 into 20 otherwise display the output in the form of sorry text. Conditional formatting. Step 1. Apply conditional formatting. Step 2. Select the cell range. Step 3. Home tab. Step 4. Conditional formatting. Step 5. Drop down list. Step 6. Select formatting style. Step 7. OK.
Sorting data. Arrange data in ascending or descending order is called sorting. MS Excel 2010 offers two options for sorting data: ascending order and descending order. Filtering data. Filtering is a process for finding data set in a cell range at a fast speed. A filtering range shows only those rows that meet all the conditions specified for a column. Exercise. A. Tick the correct options. 1. Which one of the following is a conditional function that displays either or false as the output? 2. In MS Excel 2010, cell referencing is off. 3. Which one of the following functions is used to display the minimum value in a range of cells? 4. To arrange data in ascending or descending order means 5. The process of filtering data on the basis of some specified conditions is. B. Write T for true and F for false for the following statements. C. Choose appropriate words from the box and fill in the blanks. D. Answer the following questions. 1. What is cell referencing? 2. What do you mean by sorting data? 3. What is the use of the count numbers command in MS Excel? Question number 4. Write any 5 predefined commands for using functions in MS Excel. 5. Write the steps for applying custom filter in MS Excel.